हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में आपको जानकारी दी थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम त्रिभुज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि थ्योरम के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, आपको उसकी जानकारी आपको देंगे। और वीडियो के बारे में बताएं तो वीडियो हमारी ज्योमेट्री की 4th वीडियो है और ट्रेंगल की ये 3rd वीडियो। तो इसमें आज का जो पॉइंट है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला पॉइंट है, व्हेन वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल एक्सटेंडेड देन द एक्सटर्नल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि किसी भी त्रिभुज के एक साइड को अगर हम आगे बढ़ाएं तो उसका जो बना हुआ बहिष्कोण है, उसकी वे जो मान होता है, उसका वैल्यू जो होता है, वह इंटरनल एंगल, जो बचे हुए इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है, मतलब कि योग के बराबर होता है। तो दोस्तों, इसका अगर स्टेटमेंट में बात करें तो स्टेटमेंट में इसकी सीधी से मतलब इतना है कि अगर एंगल एक्स को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम एंगल एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी एंगल ए प्लस एंगल बी के सम के इक्वल होगी। जो एंगल ये होगा और ये एंगल होगा उसके सम के बराबर होगा एंगल एक्स की वैल्यू, जो ये कोण होगा इसके बराबर होगा। दोस्तों, ये कैसे होगा, इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको इसको प्रूव करके भी बताता हूँ कैसे होगा ये। तो दोस्तों, हम इसकी जो प्रूफ है वो कैसे करेंगे इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो पहले थोड़ी सी मैं आपको ट्रेंगल के जो यहाँ क्या क्या है ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये शीर्ष ए, वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी है। अब इसी प्रकार से इनका जो ये एंगल है इसको हम बोलेंगे एंगल ए, और ये जो हमारा एंगल रहेगा इसको एंगल बी बोलेंगे, और ये जो हमारा एंगल रहेगा ये इसको एंगल सी बोलेंगे। और जो हमारा ये एक्सटर्नल एंगल है, ये जो एंगल कह रहा है एंगल एक से जो है वो हमारा एक्सटर्नल एंगल रहेगा, मतलब बाहें कोण रहेगा। और जो ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जो है ये हमारा इंटरनल एंगल के अंतर्गत आते हैं। तो हम अब आपको ये थ्योरम को प्रूव करके बताते हैं। इस थ्योरम को प्रूव करने के पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए पता, कि जैसे कि रेखीय कोण क्या होता है, रेखीय एंगल क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो दो मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में बता दिया था रेखीय कोण क्या होता है, तो फिर भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो में भी दे देता हूँ। रेखीय कोण कोई लाइन है, उस लाइन की एक साइड में जो एंगल बना हो उसे हम बोलते हैं रेखीय कोण। या तो इस साइड से बना हो या इस साइड से बना हो, उनका वो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर मैं बोलूँ कि एक रेखा है, इस पर कोई पॉइंट है, इस प्रकार से एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इन दोनों का सम जो होगा, अगर मैं बोलूँ एक्स और वाई है, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल एक्स प्लस एंगल वाई की इक्वल टू बोले 180 डिग्री होगा। दोस्तों, ये होता है रेखीय कोण। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें आती होगी और पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया था। तो अब हमें प्रूव करना है ये चीज़, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों, हमारा ये आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जैसे त्रिभुज होता है, त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ये भी हम पिछली वीडियो में आपको प्रूव करके बता चुकी है। ये कुछ इस प्रकार से, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये दोस्तों आप ये इक्वेशन जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा बातें, वो भी वहाँ पे भी ये चीज़ें लागू होगी। तो ये आपको चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। तो मैं आपको जो एंगल इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये मैंने आपको लिख दिया है। ये चीज़ें हमें काम आने वाली आगे, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये यहाँ से ये लाइन जो गई है, ये पूरा एक लीनियर है, एक लाइन है, इस लाइन पे ये एंगल बने हुए हैं, दो एंगल हैं। तो अगर मैं बात करूँ एंगल एक्स प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर एंगल है, लीनियर एंगल पे बने हुए कोण 180 डिग्री होते हैं, तो जो कि दोनों का सम ये पूरा लीनियर एंगल के
एक लाइन के इस साइड के जो सारे एंगल हैं वो दोनों को सबको जोड़ा जाए तो वो 180 डिग्री के बराबर होंगे। ये दोस्तों आपको पता होगा जो कि मैंने लिख दिया क्वेश्चन में। अब इसी प्रकार से हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब जो इक्वेशन सेकंड की वैल्यू है वो हम इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। तो जैसे कि एंगल एक्स प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है, तो अगर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री का मान हम इसमें रखेंगे, इसकी जगह पर रखेंगे। ये 180 डिग्री है, अगर ये मैंने बोला था लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड के बराबर हो तो राइट हैंड साइड के बराबर लिख सकते हैं, या राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लिख सकते हैं। ये इसी प्रकार से अगर ये राइट हैंड साइड बराबर है तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लिख सकते हैं, या तो ऐसा बोलो या तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू जो है उसको इधर रख दो। तो कुछ इस प्रकार से होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल सी। दोस्तों एंगल सी से एंगल सी कट जाएगा, बचा क्या एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल एक्स। तो हमें अगर इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिखूं, एंगल एक्स को इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। तो दोस्तों यही हमें प्रूफ भी करना था, जैसे कि आप देखें यही हमने प्रूफ भी कर दिया आपको। ये हो गया प्रूफ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इसका प्रूफ समझ में आएगा। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यही चीज़ें आगे काम में आने वाली है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के अगर एक भुजा को आगे बढ़ाया जाता है, उसके आगे बढ़ाने पे जो हमारा बहिष्कोण बनता है, बाह्य कोण बनता है, एक्सटर्नल एंगल जो बनता है वो बराबर होता है त्रिभुज के अंतर जो जो इस त्रिभुज के विमुख जो ये त्रिभुज होगा इस त्रिभुज के इस कोण के विमुख इस कोण के जो होगा इस कोण के विमुख जो रिमेनिंग दो एंगल होंगे उनका सम के बराबर होता है। तो वो ये एक्सटर्नल एंगल इसके विमुख ये दो रिमेनिंग एंगल हैं उनके सम के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट का मतलब था, आपको मैंने प्रूफ करके भी ये जानकारी आपको बता दी कैसे होगा। अब दोस्तों हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा कुछ इस प्रकार से है कि व्हेन टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल एक्सटेंडेड द सम ऑफ दिस एक्सटर्नल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 प्लस रिमेनिंग थर्ड इंटरनल एंगल। इसका दोस्तों इसका मतलब क्या है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं को अगर आगे तक बढ़ाया जाता है उनका जो बहिष्कोण बनता है उन दोनों बहिष्कोणों का योग जो है वो इंटरनल जो इनके विमुख ये दोनों एंगल जिनके बहिष्कोण बनेंगे उनके विमुख जो इंटरनल एंगल का रिमेनिंग जो एंगल रहेगा उनके 180 डिग्री प्लस थर्ड एंगल के सम के बराबर होता है। तो मैं इसका हिंदी मतलब अगर मैं बताऊँ तो एक शॉर्ट से मतलब बता देता हूँ आपको। त्रिभुज के किन्हीं भी बहिष्कोणों का योग, किसी भी जब त्रिभुज है इनके जो बहिष्कोण दो बहिष्कोणों का योग हमेशा 180 प्लस शेष जो बचा हुआ थर्ड कोण होगा उसके बराबर होता है। तो इसका अगर मैं स्टेटमेंट में दोस्तों बात करूँ तो अगर ए इसको बी ये सी हो और ये हमारा एक्स और इसको वाई मानते हैं, तो हमारा जो स्टेटमेंट बोलता है कुछ इस प्रकार से अगर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बहिष्कोणों का योग एक्सटर्नल सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑलवेज ये इस प्रकार से जो इक्वल होगा 180 प्लस रिमेनिंग इंटरनल एंगल्स ए। अब बचा हुआ कौन कौन सा बना ए बचा तो वो उसके बराबर होता है। ये स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सटर्नल एंगल हैं एक्सटर्नल एंगल एक्स प्लस एक्सटर्नल एंगल वाई इनका सम जो होगा वो इनके इंटरनल जो इनके अपोजिट इनका एक्सटर्नल एंगल है इनके एक्सटर्नल एंगल का सम जो होगा वो रिमेनिंग 180 प्लस रिमेनिंग जो थर्ड एंगल है उसके सम के बराबर होगा है।
तो जो कि इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। अब इसको हमें प्रूव करना है, प्रूव कैसे करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अगर हमें उसको प्रूव करना है कैसे होगा, तो ये आपको इसके लिए जानकारी आपको हम बता देते हैं। जैसे कि अब एक चीज़ ये कॉमन है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर तीनों कोणों को जोड़ा जाए तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। आई होप आपको ये चीज़ें आती होगी, पहले भी आपको मैंने बता भी दिया है कैसे होता है, इसके पहले वाली वीडियो में उसका डिस्कशन भी हमने कर दिया। तो दोस्तों अब मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ इसको प्रूव कैसे करेंगे। ये इसको प्रूव करने के लिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसके पहले वाली जो वीडियो, ये अभी जो बताया मैंने आपको प्रूव किया, एंगल एक्स बराबर कितना होगा, एंगल एक्स बराबर मैं अगर लिख सकता हूँ तो एंगल ए प्लस एंगल बी के लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि अगर किसी भी एक भुजा को बढ़ाते हैं, जो बहिष्कोण होता है, वो बहिष्कोणों का जो मान होता है बराबर, वो किसके बराबर होता है, त्रिभुज के जो अंत है, इसके जो त्रिभुज के अंत है विमुख जो कोण बचेंगे दो, उनके सम के बराबर होता है। मतलब कि ये एंगल एक्स इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। तो ये मैंने आपको लिख दिया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब इसी प्रकार से एंगल वाई जो होगा, एंगल वाई किस को क्या लिख सकते हैं, अब एंगल वाई, अब ये इन दोनों एंगल के प्लस के बराबर होगा, तो मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर होगा। तो ये एंगल के बराबर होगा, आपको ये चीज़ें आई होप कि समझ में आ रही होगी कैसे हो, क्यों हो रही है। अगर हम ये एंगल की बात करें तो ये एंगल के प्लस के बराबर होगा, और ये एंगल की बात करें तो ये एंगल ये सिंगल के बराबर होगा। ये बातें आपको बताते हैं। अगर मैं हम दोनों को प्लस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को प्लस करें, तो यहाँ पे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू ये टू एंगल हो जाएगा, टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होगा। अगर इसी को हम बात करें एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, अगर यहाँ पे एक एंगल की इस प्रकार से बना लिया जाए, सॉरी ये यहाँ टू नहीं आएगा, यहाँ मतलब अगर दो एंगल हैं तो एक एंगल में इस प्रकार से एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मतलब कि दो एंगल हो जाएगा, ये दो एंगल हैं, तो इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब हमको दोस्तों ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस 180 डिग्री। दोस्तों इसको मैं थोड़ा अगर इस प्रकार से लिखूं तो मैं हमारा जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को हमने प्रूव भी कर दिया, और जो हम ये जो चीज़ें थी जो हमें प्रूव करना था उसको हमने प्रूव भी कर दिया। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, अगर दो त्रिभुजों, अगर एक त्रिभुज के दो भुजाओं को आगे तक बढ़ाया जाए और उन पे जो बहिष्कोण बनता है, वो बहिष्कोणों का योग जो होगा वह 180 डिग्री प्लस त्रिभुज के अंत है जो रिमेनिंग थर्ड एंगल होगा वो उसके बराबर होगा, प्लस के योग के मतलब कि उनके जो सम होगा उसके बराबर होगा है। बहिष्कोणों का योग वो 180 प्लस रिमेनिंग थर्ड एंगल के योग के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया, जो कि मैंने आपको ये चीज़ें प्रूव करके बता दिया। अब दोस्तों हम इसके एक पॉइंट और है, उस पॉइंट के बारे में भी आपको डिस्कस कर लेते हैं, उसको कैसे प्रूव करेंगे चीज़ें भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एक्सटेंडेड, इट मीन्स सम ऑफ ऑल थ्री एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सीधा सा मतलब इतना है दोस्तों, मैं आपको बता, त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योग, अगर मैं तीनों त्रिभुज के तीनों साइडों को एक्सटेंड करूं और उनमें जो बहिष्कोण बनते हैं, उन बहिष्कोणों का योग एक्स वाई और ये जेड, इस प्रकार से जो बहिष्कोण बनेंगे तीनों साइडों को बढ़ाने पर, उनका जो सम होगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड वह 360 डिग्री के बराबर होगा। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ, मतलब क्या होगा, त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये हमें प्रूव करना है। अब हम कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने के लिए मैं आपको बताता हूँ प्रूव करके कैसे चीज़ प्रूफ होगी। इसको प्रूव करने के लिए दोस्तों आपको मैं ये बता देता हूँ, जैसे हमारा मैंने आपको
अभी इसके पहले वाला जो पॉइंट थे उसके बारे में भी आपको प्रूफ करके बताया, वो कैसे प्रूफ हुआ। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको एंगल एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल एक्स का जो मतलब एक साइड को बढ़ाया तो जो बहिष्कोण था उस बहिष्कोण का मान जो होता है इंटरनल एंगल के त्रिभुज के इंटरनल जो एंगल होते हैं इसके विमुख जो कोण होगा, इसके बहिष्कोण के विमुख जो इंटरनल रिमेनिंग टू एंगल्स होंगे उनके सम के बराबर होगा। एंगल जगह ये ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी प्रकार से एंगल वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल वाई, अब इसमें ये कोण के विमुख ए और सी बचा है, एंगल ए प्लस एंगल सी। इसी प्रकार से एंगल जेड की बात करूँ मैं, एंगल जेड जो होगा वो अब इसके विमुख कौन कौन से एंगल बचे, ये एंगल बचा, मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी और ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो अब मैं आपको इन दोनों का अगर मैं तीनों इक्वेशन को सम करूं तो कुछ इस प्रकार से होगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो टू एंगल, अब सब एंगल ए भी दो है, दो बार है, तो एंगल टू एंगल ए प्लस एंगल बी भी आप देखेंगे तो टू एंगल बी, अगर सी भी देखेंगे तो एंगल दो, एंगल सी भी दो बार है तो टू एंगल सी हो गए। मतलब एंगल ए है वो दो बार है, एंगल बी भी है वो भी दो बार है, और एंगल जो सी है वो भी दो दो बार है। तो आपको अलग अलग पॉइंट्स मैंने नोट कर दिया, तो ये दो दो बार थे इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। तो अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड ये किसके बराबर हो जाएगा, टू अगर सब में से कॉमन ले लूँ मैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इसके बराबर हो जाएगा। अब जब इसके बराबर हो जाएगा तो हम इसको एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इसको मैंने टू इंटू 180 डिग्री लिख सकता हूँ। अब बोलोगे आप 180 डिग्री कैसे डायरेक्ट, अब 180 डिग्री जो है वो इसीलिए आया है क्योंकि हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का अगर मतलब ए एंगल बी और एंगल सी ये जो तीनों एंगल इनको सम करूँ तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 180 डिग्री इसकी जगह मैंने 180 डिग्री लिख दिया और इंटू टू था ऑलरेडी कॉमन लिया था तो वो चीज़ें वो बात वहाँ से आ गई। तो इसी प्रकार से एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड जेड इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। ये बात हमको प्रूव करना था दोस्तों, मैंने आसानी से आपको प्रूव करके ये सारी चीज़ें वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आई होप कि दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा हमारा। तो मैंने अब इसका मतलब क्या हुआ डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, त्रिभुज के तीनों साइडों को अगर बढ़ाया जाए तो जो उनके बहिष्कोण बनते हैं उन बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है, ये इसका मतलब हो गया। और आपको मैं इसके पहले वाले पॉइंट्स के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ उनका मतलब क्या होगा। इसका पॉइंट सिक्स का जो बात करूँ तो इनका जो मतलब हुआ क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि अगर त्रिभुज के किसी भी दो साइडों को एक्सटेंड किया जाए बढ़ाया जाए तो उनके जो बहिष्कोण बनेंगे उन बहिष्कोणों का योग जो होगा वह 180 प्लस जो त्रिभुज के जो इंटरनल एंगल रिमेनिंग इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा, ये हो जाएगा। और जो ये हमारा पॉइंट था, इस पॉइंट के बारे में अगर बताऊँ आपको तो त्रिभुज के किसी एक साइड को जब एक्सटेंड करेंगे तो जो उसका बहिष्कोण बनेगा उस बहिष्कोण का जो बहिष्कोण का मान होगा मतलब वो वैल्यू होगी वो उसके त्रिभुज के इंटरनल अपोजिट जो रिमेनिंग टू एंगल्स होंगे उनके सम के बराबर होगा। तो ये स्टेटमेंट जो लिखा था इसको मैंने इस प्रकार से फ्रेम किया और इसको प्रूव किया। इसी प्रकार से पॉइंट सिक्स भी, इसी प्रकार से पॉइंट सेवन को भी आपको एक्सप्लेन किया। आई होप कि दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, वीडियो भी समझ में आई होगी पूरी कैसा क्या आपको बताया गया। दोस्तों इसी प्रकार से हम आपको और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे, तब तक जय श्री राधे।